इस बार हम बात करने वाले क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल की। क्वालिटी एश्योरेंस क्या है एंड क्वालिटी कंट्रोल क्या है। सो पहले चलते हैं क्वालिटी एश्योरेंस में। तो बेसिकली सेट ऑफ एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज है, दैट एंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस, की डेवलपमेंट प्रोसेस जो भी हो रहा है उसकी क्वालिटी को एंश्योर करते हैं कि हाँ भाई सही है, अच्छी क्वालिटी का है। दैट इज क्वालिटी एश्योरेंस। ओके, एंश्योर द क्वालिटी ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस, एंश्योर द क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस, यार इसको लिख लेना, डीपी लिखा मैंने, तो एंश्योर द क्वालिटी ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस। जबकि क्वालिटी कंट्रोल क्या करता है, एंश्योर करता है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ये क्योंकि बाद का सॉफ्टवेयर के बनने के बाद का प्रोसेस है, एंड ये सॉफ्टवेयर बनने के टाइम का प्रोसेस है। तुम कह सकते हो वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन इनके एग्जांपल है बेसिकली। ठीक है, सो दिस इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ये क्या इंश्योर करता है, इंश्योर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, कि जो प्रोडक्ट हमारे पास बनके आ रहा है वो प्रोडक्ट हमारे पास सही बनके आ रहा है, वो प्रोडक्ट हमारे पास सही बनके आ रहा है। और क्वालिटी एश्योरेंस का सेकंड पॉइंट तुम डाल सकते हो कि ये प्रिवेंट करता है डिफेक्ट से। कि देखो इसकी एप्लीकेशन टीम है, तुम कह सकते हो डेवलपिंग टीम है, डेवलपर्स है इसमें काम कर रहे हैं, तो वो क्या सोचेंगे कि एरर्स ना आए। दैट सो मतलब दे प्रिवेंट द एरर्स, प्रिवेंट एरर्स। जबकि क्वालिटी कंट्रोल वाली टीम सॉफ्टवेयर बनने की बात की टीम है, मतलब टेस्टिंग टीम है, एंड इनका प्रोसेस क्या हो जाएगा, आइडेंटिफाई एंड फाइंडिंग दी एरर्स। ओके, सो इनका प्रोसेस हो जाएगा आइडेंटिफाई एंड फाइंडिंग दी एरर्स। अब फॉर एग्जाम्पल अगर इसके इस प्रोसेस में गलती निकल गई, इधर कहीं भी कोई भी गलती आ रही है, कोई भी एरर आ रहा है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर अगर कोई भी गलती आती है, देन ऑल टीम मेंबर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपर टीम। ऑल टीम मेंबर फ्रॉम डेवलपर टीम आर रिस्पॉन्सिबल अगर कोई भी एरर आता है, इफ देयर इज सम एरर और बग, इफ देयर इज सम एरर और बग और फॉर क्वालिटी एश्योरेंस, कि अगर इसकी क्वालिटी एश्योरेंस में कोई भी दिक्कत है तो फिर सिंपल लिख लेते हैं फॉर क्वालिटी एश्योरेंस। ओके, अगर क्वालिटी कंट्रोल में कोई दिक्कत आती है तो कौन सी टीम, डेवलपर इस साइड, टेस्टिंग उस साइड, सो टेस्टिंग टीम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, टेस्टिंग टीम रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी कंट्रोल, फॉर क्वालिटी कंट्रोल। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में तुम डाल सकते हो वेरिफिकेशन, एंड इसके एग्जाम्पल में तुम डाल सकते हो वैलिडेशन, इसके एग्जाम्पल में तुम डाल सकते हो वैलिडेशन। ओके, सो इसके एग्जाम्पल में वेरिफिकेशन, एंड आगे वाले के एग्जाम्पल में क्वालिटी कंट्रोल के एग्जाम्पल में वैलिडेशन। ओके, नाउ क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस इज अ मैनेजेरियल टूल जो कि बेसिकली अपनी टीम को मैनेज करने का हमारा ना, सो क्वालिटी एश्योरेंस इज मैनेजेरियल टूल। जबकि क्वालिटी कंट्रोल क्या है, क्वालिटी कंट्रोल जो है करेक्टिव टूल है, अगर कोई भी एरर, कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आए तो उसको सही कर दे। सो द क्वालिटी कंट्रोल इज करेक्टिव टूल, करेक्टिव टूल। सो क्वालिटी कंट्रोल इज योर करेक्टिव टूल, करेक्टिव टूल है। अब इसमें अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो सारी SDLC, देखो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल डेवलपमेंट, उसमें टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, इसमें SDLC रिस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है, सो इफ देयर इज सम प्रॉब्लम देन QA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर SDLC एंड इसमें QC फॉर STLC। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डेवलपिंग लाइफ साइकिल एंड टेस्टिंग। ओके, सो ये है हमारा क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल।